एवरी एडमसन और थॉमस केन, कितने सारे लोग आपको खोज रहे हैं? आप कौन है? मैं यहाँ काम करता हूँ। कहाँ गए सब लोग? मुझे लगता है अब तक वे अपने घरों में होंगे। उन्होंने हमें ढूंढा नहीं? बिल्कुल ढूंढा था, पर तुम्हें तो अकेले घूमना पसंद है। उन लोगों को ढूंढते रहना चाहिए था। बेटे, तुम लोग तो अपनी समस्याओं को दूसरों की समस्या बनाने में माहिर हो। तो अब हम लोग क्या करें? हम मुख्य कार्यालय में जाकर ये खबर देंगे कि तुम लोग यहाँ पर हो। चलो चलते हैं। इस तरफ से। ये क्या है? सृष्टिकर्ता की सृष्टि। सृष्टिकर्ता? ईश्वर? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड तो बड़े धमाके से पैदा हुआ। सही कहा, पर वो धमाका सृष्टिकर्ता की वाणी थी जो उसे अस्तित्व में ले आई। लेकिन वो बड़ा धमाका तो एक घटना थी। तुम कैसे जानते हो? क्या तुम वहाँ थे? क्या तुम थे? अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। क्या सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी का परिक्रमण एक घटना ही है? इस पर जरा सोचो। पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटे की गति से परिक्रमण कर रही है और 1,000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रही है, तब भी सब कुछ संतुलन में है और बिना किसी सहारे वो घूम रही है। नहीं मेरे नन्हे दोस्तों, ये कोई घटना नहीं है, ये उसकी कलाकारी है, उसी की रचना है। आप ये कैसे कह सकते हो? इसमें क्या शक है, आंखों देखा मानो। हमारी कोई भी किताब ये नहीं बताती कि सृष्टिकर्ता है। ये इस पर निर्भर है कि तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने सब कुछ रचा है और तुम दोनों को भी। वो क्या है? वो तुम हो। हाँ पता है। जिस खूबी से ईश्वर ने ब्रह्मांड को रचा, उसने तुमको भी रचा है, एवरी एडमसन, और तुमको उसने अपने स्वरूप रचा ताकि तुम उसके साथ एक प्रेम भरी संगति रखो। तुम आकस्मिक नहीं हो। मेरी माँ हमेशा कहती है मैं गलती से हूँ। पर वो गलती नहीं करता। हम सभी एक अनुपम रीति से ईश्वर की रचना है। मैं ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, ईश्वर नहीं तो प्रकाश नहीं, अब क्या करोगे? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ईश्वर की ज्योति बिना बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, उसके कारण जिसे पाप कहते हैं। वो क्या है? ये तुम्हें ईश्वर से जुदा कर देता है। जब जब तुम जानते हो कि तुम्हें भलाई करनी है पर तुम नहीं करते, तब तुम उसके विरुद्ध पाप करते हो। तुम ये बात बना रहे हो ताकि लोगों को मौज करने से रोक सको। तुम सोचते हो पाप मौज है? क्या ये मौज है? सभी ने पाप किया है और पाप का दंड मृत्यु है। मैंने तो पाप नहीं किया। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। तुम इसके बारे में तो जानते ही होगे एवरी। जब तुम पाप करते हो तो किसी ना किसी को चोट पहुंचती है। किसे? उसे। उसका पाप क्या था? उसने कोई पाप नहीं किया। तो उसे सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हारे पापों के लिए। मेरे? वो है कौन? वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। ऐसा है, परमेश्वर तुमसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे बदले मरने भेजा ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएं। मेरे सारे पाप? तुम्हारा एक एक पाप
उसके साथ क्या हुआ? उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, लेकिन 3 दिनों के बाद वो मरो में से जी उठा। हाँ, बात यहां तक आती है बच्चों कि तुम विश्वास करो कि वो तुम्हारे बदले क्रूस पर मरा, नहीं तो अपने पापों का परिणाम भोगो। और वो क्या है? अकेले रहना, ईश्वर से अलग होकर। तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? मैं चल कर आया। चलो एवरी, वापस चलते हैं। उस पर चल कर आओ, बड़ा ही आसान है। ये टिक नहीं पाएगा। वो कभी नहीं गिरता। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तुम यहाँ लौट कर क्यों नहीं आते? वहाँ पर क्या है, तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए। चले आओ, तुम बहुत करीब हो। मैं तो नहीं जा रहा एवरी। तुम वहां कैसे पहुंच गए? मैंने इनकी बातों पर विश्वास किया। आ जाओ टॉमी, ये गिरेगा नहीं। नहीं। आ जाओ टॉमी। मैंने कहा नहीं एवरी। ये उसका फैसला है एवरी, उसे अपने आप ही लेना है। ये क्या है? देखो, ये तुम्हारा कमरा हो सकता है। ये लाजवाब है। ओ, ये लाजवाब से भी बढ़कर है। यहाँ कोई अकेलापन नहीं, हम यहाँ एक बड़ा सा सुखी परिवार है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? अभी नहीं, जब पृथ्वी पर तुम्हारा समय पूरा हो जाए। तब तक मैं क्या करूँ? इसे पढ़ो। ये क्या है? प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल। क्या मैं? जरूर। हाहाहाहा